हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम कुछ परंपरागत साइन को यूज़ करने वाले हैं, यानी कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिनको हमें अप्लाई करना होगा वेन एवर वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या सॉल्व करते वक्त में अप्लाई करेंगे? अगर हमें निकालनी है इमेज के डिस्टेंस, जिसे हम वी से सिंबलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको यू से सिंबलाइज करते हैं, फोकल लेंथ एफ से सिंबलाइज करते हैं, मैग्निफिकेशन हो सकता है, हाइट हो सकती है इमेज की भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर हमें ये चीज़ें एक्यूरेटली कैलकुलेट करनी है तो वी हैव टू अप्लाई दोज साइन, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे। लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं मिरर के वो नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, इस तरह से साइन कन्वेंशन हम लोगों को यूज़ करने होंगे। अब वो यूज़ कहाँ कर रहे हैं वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी लेंस फॉर्मूला, इसमें तो हम अप्लाई करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए, सो वी हैव दैट फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला है क्या? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा, ऐसे ही मिरर फॉर्मूला भी था, बट वी हैव सम डिफरेंस इन दीज। तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ नेगेटिव है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और सिंपल सा। तो अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो बस ट्रांसपोज कर देंगे, तो अगर हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो बस फॉर्मूला को इधर उधर ट्रांसपोर्ट रीअरेंज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सिमिलर वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई लेंस, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कैसा है। ऑब्जेक्ट जैसा होगा वैसा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है, है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो देखो वहीं पर बनता है, दूसरी तरफ इमेज वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही साइज की होती है, तो ये हमें डिपेंड करता है कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। दूसरा, साइज इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो यही चीज़ क्या है? मैग्निफिकेशन, साइज को कंपेयर करना, रिलेट करना इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से, वो हम लोग निकालते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन से। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, दिस इज द फॉर्मूला, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का, सो विल बी एबल टू कैलकुलेट एक्यूरेट रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो m इज इक्वल्स टू h2/h1, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। वी हैव अनदर डेफिनेशन फॉर दैट एज वेल। सो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं तो भी हम लोगों को साइज पता चल जाता है। फॉर्मूला इस केस में हो जाएगा m इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बस कंपेयर करके हम लोगों को निकाल सकते हैं। अच्छा, मिरर में भी हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, जब हम साइज को कंपेयर कर रहे थे वहां पर हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू लेनी होती है, यहाँ पर हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, बस फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो अगर हमें रिलेट करना है ना साइज को, किसके साइज को? इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को, तो हम लोग हाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं और डिस्टेंस से भी। डिस्टेंस से तो पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ होगा साइज भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज बराबर था तो डिस्टेंस से भी पता कर सकते हैं अपना साइज, अपना इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज और हाइट से भी पता कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी टोल्ड, यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मतलब अगर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी लेफ्ट साइड बनने वाली है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आती है देन इन दैट केस इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड होगी। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में ऑटोमेटिक ही देख सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती है और उसको आप लोग शॉर्ट आउट कर सकते हो।
तो एम अगर पॉजिटिव देन इन दैट केस वर्चुअल और इरेक्ट वी आर गोइंग टू टेक, एंड अगर एम नेगेटिव है इन दैट केस रियल और इन्वर्टेड इमेज वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है, तो ये था मैग्निफिकेशन जिसमें हमें को कंपेयर करना होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज, जिसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे, या बराबर और बड़ा और छोटा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास, इनको आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, कोई और चैप्टर फर्स्टली उसको प्रिपेयर करना है, देन यू कैन ऑल्सो लीव कमेंट, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना कर दे दूँगी. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर.